going to be awesome. Yes, today is going to be awesome. Thank you for tuning into my channel and watching my video. I know everybody's times matters a lot, and today's video will be about Singapore visa and Singapore visa for Indian. तो ये video English में नहीं बल्कि हिंदी में होगा. और actually right now I'm in Singapore in a hotel called Hotel Gen Orchard Gateway, and it is situated at Orchard Road, which is like a very, very happening place in Singapore. And view is amazing by body. I got my visa in 72 hours and it's an electronic visa, and I got the visa for 2 years. So first of all, what you need is a passport, Indian passport, which is the most important thing. And the passport should be valid for 6 महीने के लिए. वैलिडिटी रहना अनिवार्य है, सबसे ज़्यादा आवश्यक वो है. सेकंड चीज़ है ऐसे सिंगापुर तो काफ़ी नज़दीक है और हमारे साथ रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं सिंगापुर के, तो वीज़ा में झमेला उतना है नहीं जैसे कि शेंजन वीज़ा में आता है या फिर और किसी US वीज़ा में. और नाउ आई हर्ड दैट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इज़ हार्ड टू. सेकेंड होता है कि चाहिए आपको कि पैसे, तो पैसे आपको कितने रखने हैं. तो जनरली दे सी द 6 months बैलेंस. ऐसा नहीं कि FD से लोन ले लिया, फिक्स डिपॉजिट से लोन लेके दिखा दिया या लोन लेके दिखा दिया कि कोई और पर्सनल लोन लेकर अचानक से दिखा दिया. ऐसे जनरली डोंट रिजेक्ट. मैंने कभी सुना नहीं है कि रिजेक्ट किया है, पर कितने पैसे रखने हैं. जनरली दे सी द 6 months बैलेंस एंड द ट्रांजेक्शन्स. तो मेरे अकाउंट में जो मेरा अकाउंट था उसमें 1,70,000 के करीब बैलेंस था, और वो कभी घटा है कभी बढ़ा है. लास्ट में वो 1,70,000 था, और मुझे वीज़ा मिला है 2 साल के लिए. एक्चुअली 3 साल के लिए मुझे वीज़ा मिला है. सो विच इज़ एनफ आई थिंक. एंड ऑल्सो जो स्टेटमेंट आप दिखाओगे या दोगे बैंक को, आई मीन वीज़ा ऑफिस में, तो उसका बैंक के स्टेटमेंट में आइदर मैनेजर या फिर ऑफिसर का साइन हर पेज पे लगना है कि आपको, मतलब दे जनरली डोंट राइट इट बट स्टिल टू मेक इट मोर ऑथेंटिकेटेड, आपको हर पेज में या उसमें आपको साइन ज़रूरी ही कराना है विद बैंक स्टैम्प, तो टू बी सेफ. थर्ड, आपको तो कितने पैसे लगते हैं वीज़ा के लिए. वीज़ा के लिए करीबन कॉस्ट काफ़ी कमी है, लाइक 3,000 समथिंग लगता है रुपीज़ में. सो एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिंगापुर वीज़ा आप खुद से कर नहीं सकते हो. सिंगापुर वीज़ा करने के लिए आपको किसी ना किसी ट्रैवल एजेंट या टूरिस्ट एजेंट की सहायता लेना ज़रूरी है. और दे हैव ऑन देयर वेबसाइट दे हैव अ लिस्ट लाइक कौन कौन से टूर एंड ट्रैवल्स आर लाइक उनके उस लिस्ट में बैठते हैं जो कि आपका वीज़ा करवा देते हैं. एक्चुअली सिंगापुर वीज़ा इज़ वेरी, वेरी ईजी. यू कैन जस्ट गो टू एनी वन टूरिस्ट पार्टी और टूरिस्ट एजेंसीज, ट्रैवल एजेंसीज लाइक SOTC हो गया, यात्रा हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, थॉमस कुक हो गया, एंड एनी वन, एंड जस्ट गिव द डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट. और फोटोग्राफ जो है वो वाइट होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ़ोटो में 80% आपका फेस दिखना चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ट्राई टू कीप द फेस क्लीन, लाइक जैसे आप दिखते हो वैसे ही रहो, कि लुक चेंज कर लिया या बियर्ड रख दिया, ऐसा नहीं. जितना हो सके कि आपका फेस जितना हो सके क्लियरली दिखना चाहिए. और द मेजरमेंट इज़ 35 mm into 45 mm. और आपको 2 फोटोग्राफ्स लगता है, एक आपको दे देना है और एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में रहना है. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरी इजी. इट्स नॉट अ वेरी लाइक लेंथी फॉर्म और समथिंग, जस्ट बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, एवरीथिंग. और हाँ, फ़्लाइट टिकट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फ़्लाइट टिकट, बिकॉज विदाउट फ़्लाइट टिकट आप सिंगापुर जा नहीं सकते. जनरली सिंगापुर वीज़ा किसी का कैंसिल नहीं होता है, और इंडिया में तो काफ़ी अभी ऑप्शंस भी आ गए हैं फ़्लाइट के, सस्ते हो या फिर सिंगापुर एयरलाइंस हो गया. सिंगापुर एयरलाइंस से फ़्लाइट टिकट का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, लाइक यू गेट लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स, लाइक व्हेन यू गो टू द टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक गार्डन बाय द बे, मरीना बे सैंड्स, स्काई पार्क, और एनीवेयर लाइक इवन दोज सिंगापुर जू एंड एवरीवेयर, you get like 10 to 15% discount by showing the voucher. तो काफ़ी cool लगा मुझे। कोई ITR return दिखाना बहुत ज़रूरी है, और जो भी मतलब वो mandatory नहीं है, पर अगर आप salaried class हो तो आपको ITR return देना बहुत ज़रूरी है। Like last 3 years के या past 3 years के ITR returns are must। और सेकेंड ऑफ ऑल अगर आप बिजनेसमैन हो तो तभी आपके पास तो ITR रिटर्न होंगे ही, तो ITR रिटर्न आप दिखा सकते हो। एंड इफ़ यू, और जो लोग जॉब करते हैं और जिनके पास ITR रिटर्न नहीं है वो क्या कर सकते हो, अपने लास्ट 6 months के सैलरी 3 months के सैलरी स्लिप आप दे सकते हो। तो ये हो गया सैलरी का। और होटल भी बुकिंग आपको करना है, लाइक होटल बुकिंग वाउचर दे सी, दैट इज़ लाइक मैंडेटरी, दे सी इट। सो होटल बुकिंग वाउचर्स आप booking.com पे जा सकते हो और होटल बुक कर सकते हो, जो कि पे लेटर का ऑप्शन लेके कि आप बाद में पे करोगे और उससे भी आप होटल, सो वो एक खर्चा है जो कि आपका बच जाता है बाई चांस वीज़ा रिजेक्ट हो तो। जनरली वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, सिर्फ ऑफिस वालों को एक लेटर या NOC लगता है, वो एक एडिशनल है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपको एक NOC लेना पड़ता है, वो NOC आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप बिज़नेस में हो तो बस ITR रिटर्न्स ही लगते हैं कि कितना आपका बिज़नेस है, वॉल्यूम कितना है, कितना अप एंड डाउन है पैसे का, बस। और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। और एक आइटिनरी बना देना पड़ता है। आइटिनरी बनाना भी कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को पकड़ो तो वो बना दे सकता है। और अगर आप ट्रैवल एजेंट को नहीं पकड़ना चाहते हो, खुद बनाना चाहता हो, तो सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड यू कैन जस्ट गो टू एनी वेबसाइट विच इज़ गिविंग यू अ सिंगापुर टूर। लाइक क्या क्या होता है उसमें, लाइक जैसे गार्डन बाई बे हो गया मंडे, या ट्यूसडे को मरीना बे देख रहे हो, थर्ड को आप जुरोंग बर्ड पार्क देख रहे हो, ऐसे ही कुछ एक आइटिनरी आप बना दीजिए। इट्स लाइक बेसिक, इट्स नॉट लाइक टू मच फॉज अबाउट इट। देयर विल बी अ लिस्ट इन लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन जो कि आपको दिखाता है ऑफिशियल टूर पार्टनर्स, लाइक ट्रैवल एजेंट्स कौन कौन से हैं जिसके साथ आप वीज़ा करवा सकते हो। सो सिंगापुर आना या सिंगापुर वीज़ा इज़ वेरी बेसिक एंड यू मस्ट कम टू सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर बहुत ही पास है। और मुझे मेरा वीज़ा बस 72 आवर्स के बाद ही मिल गया, विच इज़ लाइक रियली रियली कूल थिंग टू मी, क्योंकि 72 आवर्स में वीज़ा मिल गया। और वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए वीज़ा मिला है। दैट इज़ लाइक द हिप थिंग, लाइक सिंगापुर में ऐसे तो छोटा है तो ज़्यादा, मतलब 5 दिन से 7 days के लिए इट्स एनफ, बट यू मे नेवर नो हाउ द वीज़ा प्रोसेस में वर्क। और अगर फिर से आपको दोबारा घूमने का कंट्री मन करे तो आप आ ही सकते हो। और बहुत सारे अलग फीचर्स भी है सिंगापुरियन वीज़ा के, जैसे अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा रहता है तो फिलीपींस का वीज़ा, लाइक यू कैन गेट द फिलीपींस वीज़ा फ्रीली, दैट इज़ द पावर ऑफ सिंगापुर वीज़ा। तो एक ही कंट्री के साथ आप दूसरा कंट्री का भी वीज़ा क्लब कर सकते हो, लाइक इट्स लाइक 15 days वीज़ा ऑन अराइवल in Philippines, which is a really really cool thing, like right guys? So Singapore visa is also very powerful. और अच्छा, और एक चीज़ बताना था, suppose you are not traveling solo. Suppose you are not traveling solo, then what to do? Like अगर आप खुद से travel कर नहीं रहे हो या family के साथ कर रहे हो तो बस एक्स्ट्रा एक चीज़ लगता है। सपोज़ योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग, और सपोज़ यू आर कमिंग विथ योर मदर और फादर हु इज़ नॉट वर्किंग, सो व्हाट यू कैन डू, जैसे आपको एक लेटर लिखना होता है कि मैं 7 दिन के लिए सिंगापुर में रहना चाहता हूँ या 5 दिन के लिए सिंगापुर में रहना चाहता हूँ, और जो भी एक्सपेंसेस है कि मेरे, तो वो मेरी मदर के, मेरे फादर के, मेरे बीबी के, मेरे बच्चों के, वो सारे मैं ही उठाऊँगा। जस्ट डिक्लेरेशन, इट्स जस्ट सिंपल, और ऐसे कुछ खास है नहीं। नाउ कम अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है VFTF। तो VFTF क्या है? वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी। तो एक अमेजिंग सा फैसिलिटी आपको मिलता है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यू आर ट्रैवलिंग बाय एनी मींस बाय सिंगापुर, तो आप लोगों के लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप वो वाले हॉलीडे के साथ आपको सिंगापुर का भी हॉलीडे आप क्लब कर सकते हो। लाइक यू विल गेट अ मैक्सिमम ऑफ 96 आवर्स वीज़ा। 4 दिन में आप काफ़ी इजीली सिंगापुर को घूम सकते हो और देख सकते हो। इट्स वेरी इजी, सो इट्स रियली रियली कूल। लाइक सपोज़ आप कहीं पे भी जा रहे हो और आपको लगता है कि लाइक यू कैन मैनेज लाइक द टिकट प्राइस और समथिंग, एंड यू जस्ट कम टू सिंगापुर, आपको बस 96 आवर्स का वीज़ा ईजिली मिल जाता है, जिसको कहते हैं वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी। एंड और जो कौन कौन से कंट्रीज़ है, लाइक आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ कंट्रीज़ है जो जिसके कारण ही आपको वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी मिलता है 96 आवर्स का, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्ज़रलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो सारे काफ़ी महंगे और फोड़ू देश है और तोड़ू देश है जिसके साथ आप जा सकते हो। पर मज़ेदार बात यह है कि आपके पास अगर टाइम हो तो आप सिंगापुर भी घूम सकते हो, क्योंकि सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन एशिया टू सी एंड वॉच। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। तो मैं अपना वीडियो शॉर्ट ही रखता हूँ और ख़त्म करता हूँ। अगर आपको क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप पूछिएगा, और मेरा चैनल यूजुअल लोटस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गुड नाइट। हाउ टू डू दिस देन? ओके।